The first sentence of section 161, subsection 1 says that if articles of association authorize through board resolution, directors, additional director could be appointed. अगर आप सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 को पढ़ें तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स दिया हुआ है। आइए इस बात को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बारी इस बार थोड़ा सा डिटेल में हम इस चीज को देखेंगे बेटा। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, तो जी जब हम मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होनी चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट हो सकता है। और डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन हमने देखी कि आर्टिकल्स मेंबर्स को भी ऑथोराइज कर सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, इन दैट केस सेक्शन 160 एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये बोर्ड रेजोल्यूशन दो तरीके से पास आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टर्स के सेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, बोर्ड मीटिंग ऑलरेडी मुझसे कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी करी तो हम उसको दोबारा से फ्रेश बैच में डिस्कस करेंगे। शाबाश। अब जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो दो तरीके से पास हो सकता है, एट बोर्ड मीटिंग। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में भी पास हो सकता है और बोर्ड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी पास हो सकता है। जिन लोगों को नहीं पता रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, वैसे तो पता होना चाहिए आपको इस लेवल पर, नहीं पता तो सिर्फ इतना मान लीजिए कि जब हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करते हैं तो बोर्ड मीटिंग कन्वेन नहीं की जाती। मीटिंग में डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन को पास करने आते हैं और सर्कुलेशन में रेजोल्यूशन डायरेक्टर के पास पास होने जाता है, तो इतना सा डिफरेंस है। यानी बाय सर्कुलेशन में मीटिंग नहीं होती, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और वो मीटिंग में भी हो सकता है और वो बाय सर्कुलेशन भी पास हो सकता है। शाबाश। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने डिपार्टमेंट की क्लेरिफिकेशन तो सुनी ली है, लेकिन एक केस भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। केस का नाम है ब्लेयर ओपन, आप नोट कर लेंगे अच्छे से, हर्ट फ्रूनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस रिकॉर्ड। इस केस में क्या हुआ था, ये क्या डिसीजन था, इसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनने वाली है। वेयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
हैव कंफर्ट, द पावर ऑन मीटिंग, द पावर ऑन बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, फॉर अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर इन सच सिचुएशन द कंपनी कैन नॉट अपॉइंट. ये कोर्ट का मानना है, ध्यान रखिए, द कंपनी कैन नॉट अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग. लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात है, ध्यान से आपने सुनना है. इसका एक काउंटर व्यू भी हम बताएंगे. इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर पावर डायरेक्टर्स को दी है तो जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, बट इफ देयर इज अ डेडलॉक If there is a deadlock का मतलब है the state of indecision, यानी जहां directors decision नहीं ले पा रहे हैं किसी technical वजह से. जब हम बोर्ड मीटिंग डिस्कस करेंगे तो वहां इस डेडलॉक के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान लीजिए कि डेडलॉक का मतलब ये है कि डायरेक्टर्स डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. इन सच सिचुएशन कंपनी कैन अपॉइंट, इफ देयर इज डेडलॉक इन सच सिचुएशन इन द केस ऑफ बैरो वर्सेस पोर्टर. किसका नाम बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लीजिए. इन सच सिचुएशन कंपनी कैन अपॉइंट additional directors in a general meeting. आप नोट करते रहेंगे साथ साथ, और जैसे मैं बोल बोल के लिख रहा हूं आप भी बोल बोल के लिखिए. company can appoint additional directors in general meeting. ठीक है, और you can say if there is no board, directors ही नहीं है, directors किसी कारण से छोड़कर भाग गए, उनमें से majority की death हो गई. If there is no board capable of making, या उनसे appoint नहीं हो पा रहे किसी भी कारण से, capable of making a necessary appointment. इस केस में भी शेयर होल्डर्स
जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आर्टिकल्स ने शेयर होल्डर को एक्सप्रेस पावर दी है तो शेयर होल्डर उस सिचुएशन में तो कर ही सकते हैं, लेकिन जहां आर्टिकल ने बोर्ड रेजोल्यूशन को बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंटमेंट की पावर दी है, आर्टिकल ने पावर दी है बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, तो वो रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में भी पास हो सकता है और बाय सर्कुलेशन भी पास हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान से सुननी है। तो यहां पे एक सिचुएशन ये है, जब हम इनकॉम्पिटेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आर्टिकल्स ने कॉम्पिटेंट बोर्ड को डिफाइन किया है, यानी अगर आपने कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग का सेक्शन पढ़ लिया है तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा। ठीक है, आइए एक और इसमें एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा, जिन बच्चों ने कोरम का सेक्शन किया है वो मेरी बात समझ गए होंगे एकदम से, लेकिन जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुनिए ध्यान से। तो इन द केस ऑफ अनंत लक्ष्मी वर्सेस इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड, तो पहले केस का नाम लिख लेते हैं, अनंत लक्ष्मी वर्सेस इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड। आर्टिकल्स ने कॉम्पिटेंट बोर्ड को डिफाइन किया है, अच्छा जी, और हमारे पास उस बोर्ड से के इक्विवेलेंट या ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं है, तो इस वजह से बोर्ड इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन क्या बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है? अनंत लक्ष्मी वर्सेस इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड के केस में कोर्ट का फैसला था, सुन लीजिए ध्यान से, बोर्ड कैन अपॉइंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स इवन इफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड इवन इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड इज लोअर देन द मिनिमम स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हाउएवर, लेकिन ये बात याद रखनी है, हाउएवर सच अपॉइंटमेंट, यानी इस अपॉइंटमेंट की जरूरत हो और ये कंपनी के इंटरेस्ट में हो, हाउएवर such appointment must be in the interest of
कंपनी। तो मैंने कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है बेटा। तो एक और डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन इस पे हम और डिस्कस कर लेते हैं। एक डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन है इस पे, डिपार्टमेंट क्लेरिफिकेशन। अब जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसका जो टेन्योर होगा वो समझने की जरूरत है, और उसके बाद ही ये डिपार्टमेंट की क्लेरिफिकेशन हमें समझ में आएगी। आप ध्यान से मेरी बात को नोट करें। शाबाश। पहले हम सीखेंगे टेन्योर क्या है। डिपार्टमेंट के सर्कुलेशन से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या रहेगा। टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, तो ये रहेगा 'फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट', यहां से टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर, दिस इज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट बाय विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड डेट ऑन विच डेट बाय विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। एक्चुअल और डेट ऑफ एजीएम, यहां पर आपने एजीएम की, तो विच एवर डेट इज अर्लियर, ठीक है। और अगर एक्चुअल
अगर डेट ऑफ एजीएम पहले आ जाएगी, तो मान लीजिए आपने डेट ऑफ एजीएम पहले ही कर ली, तो विच आवर डेट इज अर्लियर, आप मेरे ख्याल से समझ गए। फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को ऊपर ठीक कर लीजिए भाई। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, एंड आप इस लाइन को मेरे साथ दोबारा लिखिए, थोड़ा सा ड्राफ्टिंग मिस्टेक है इस लाइन में, आप यहां पर दोबारा लिखिए। फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, आप प्लीज इसे दोबारा से नोट कर लीजिए। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, हम टेन्योर बोलेंगे। और इस बात को अगर हम सही तरीके से बोले तो ये है कि डेट ऑफ एजीएम अगर आपकी, ठीक है, सेक्शन 96 आपने पढ़ा होगा, 96 में आप पढ़ते हैं कि डेट बाय विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, आपने उस डेट तक एजीएम नहीं करी, एजीएम बाद में करी, लेकिन यहां तक आपकी अपॉइंटमेंट चलेगी, इसके बियॉन्ड आपकी अपॉइंटमेंट नहीं चलेगी, ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। आपको यहां तक एजीएम कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आप पहले ही एजीएम कर लेते हैं, तो जिस दिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हुई और जिस डेट तक आपने अगर एजीएम पहले कर ली, तो एजीएम अगर जल्दी कर ली फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ध्यान से आपने बात को नोट करना है, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, और कंपनी ने एजीएम करी ही नहीं, तो एडिशनल डायरेक्टर का क्या होगा, वो रिटायर हो जाएंगे, किस डेट को रिटायर हो जाएंगे, डेट बाय विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। कंपनी अगर एजीएम कंडक्ट करने में डिफॉल्ट करती है, एजीएम कंडक्ट नहीं करती या एजीएम कंडक्ट करने में देरी हो जाती है, तो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट उस डेट तक चलेगी जिस डेट तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। इस टॉपिक में जब आप एडिशनल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो एक पाबंदी भी है, एक रिस्ट्रिक्शन भी है,
आइए उस रिस्ट्रिक्शन को हम दोबारा से नहीं, उस रिस्ट्रिक्शन को तो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, आइए उस रिस्ट्रिक्शन को भी सुन लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन भी है और ये रिस्ट्रिक्शन कहां लिखी है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 में ये रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। राइट बेटा, रिस्ट्रिक्शन क्या है, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एट या इन अ जनरल मीटिंग शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल मेंबर, जिसकी अपॉइंटमेंट की कोशिश जनरल मीटिंग में हो चुकी है उसे आप बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं कर सकते। शेल नॉट बी अपॉइंटेड, शेल नॉट, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ईपीक्यू क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। A person who fails to get appointed in a general meeting shall not be appointed as additional director. जो पर्सन जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाया वो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सवाल है, आइए इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। आई थिंक ये वाला पॉइंट समझ में आया, एडिशनल डायरेक्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इज एडिशनल डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर? क्वेश्चन यह है, इज एडिशनल डायरेक्टर अ रिटायरिंग डायरेक्टर, ये सवाल है, इसका आंसर आप लिख लीजिए क्या है। आंसर है नो, आप एडिशनल डायरेक्टर को रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं कह सकते। आंसर इज नो, एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। इस बात का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर, पहले बात तो ये समझ लीजिए। रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब सेक्शन 152 में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, नहीं पता तो जाकर वापस जाकर सेक्शन 152 की क्लास दोबारा से आप देखिए। तो रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब हो ये होता है बेटा कि जो रोटेशनल डायरेक्टर है और जिसकी रिटायरमेंट एनुअल जनरल मीटिंग पे हो जाती है उसे हम रिटायरिंग डायरेक्टर कहते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं सुन लीजिए, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि
अपॉइंटमेंट से जनरल मीटिंग तक उसका ऑफिस रहेगा। अभी तो हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना कि अपॉइंटमेंट से, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग उसका ऑफिस है, यानी वो ऑफिस में वैकेंट हो जाएगा यानी रिटायर हो जाएगा, तो उसे क्या हम रिटायरिंग डायरेक्टर कह सकते हैं सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग? इस सवाल का जवाब है नहीं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? टेक्निकल रीजन है इसके पीछे, और नोट कर लीजिए उस टेक्निकल रीजन को और एक डिपार्टमेंट की क्लेरिफिकेशन भी मुझे आपको बतानी है, ठीक है? तो ध्यान रहे, बात का ध्यान रहे बेटा, क्लेरिफिकेशन भी मुझे डिपार्टमेंट की आपको बतानी है। टेन्योर के ऊपर एक क्लेरिफिकेशन है, पहले चलो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर डज नॉट रिटायर, एडिशनल डायरेक्टर डज नॉट रिटायर एट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ध्यान से आपने बात, एक एक वर्ड को बहुत सावधान होकर चलना है। एडिशनल डायरेक्टर डज नॉट रिटायर एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। आप बोल सकते हैं एजीएम। ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट एजीएम, अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। वो एजीएम पर रिटायर नहीं होता, एजीएम तक वो रिटायर होता है, फर्क है। ही होल्ड ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। और रिटायरिंग डायरेक्टर क्या होते हैं? जो रोटेशनल डायरेक्टर्स जब मीटिंग में रिटायर होते हैं तो उन्हें रिटायरिंग डायरेक्टर कहते हैं। देयरफॉर सच अ पर्सन, therefore such a person is not considered as, is not considered as retiring director. Therefore, such person is not considered as a retiring director. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने ध्यान से समझना है। एडिशनल डायरेक्टर डजंट रिटायर एट द नेक्स्ट एजीएम, ही होल्ड ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट एजीएम, देयरफॉर सच अ पर्सन इज नॉट कंसीडर्ड एज रिटायरिंग डायरेक्टर। और यहां पे एक सवाल और है, एक क्वेश्चन और है। शाबाश, आइए एक क्वेश्चन और मैं इस पे बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से नोट कीजिए, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिए। ध्यान से आपने नोट करना है, इफ द एडिशनल डायरेक्टर, इफ द एडिशनल डायरेक्टर इज टू बी अपॉइंटेड, इज टू बी अपॉइंटेड,
एज अ रेगुलर डायरेक्टर एज अ रेगुलर डायरेक्टर एट द एजीएम सेक्शन 160 requirements section 160 requirements should be complied with should be complied with ये बात आपने ध्यान से नोट कर लेनी है। डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है टेन्योर के ऊपर, आइए उसे भी हम यहां नोट कर लेते हैं। वेयर ध्यान से नोट करना सिचुएशन को, वेयर द एडिशनल डायरेक्टर, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, ईडी नहीं लिखना, ध्यान रखना, वाज ऑल्सो अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। पहला सवाल, क्या एडिशनल डायरेक्टर एमडी बन सकता है? हाँ जी बन सकता है। सच ऑफिस ऑफ एमडी, ध्यान से नोट कर लीजिए, डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन है, विल ऑल्सो कम टू एंड When the office of क्योंकि MD के लिए director होना जरूरी है, when the office of additional director comes to an end. However, लेकिन ये बात आपने सुन ली है, however, if the additional director is immediately, right? Immediately appointed as immediately का मतलब है आपने जैसे ही वो MD की retirement हुई, फिर आपने पहले से तैयारी कर रखी थी section 160 की। immediately का मतलब ये नहीं कि आपके मन में बात आई और आपने उसी वक्त उसे appoint कर दिया, नहीं, इसकी तैयारी तो आपको पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि section, आप पूरी बात लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। However, if the additional director is immediately appointed as a regular director, in AGM under section 60, यानी अगर आपने immediately उसकी section 160 follow करके appointment as regular director कर दी, ठीक है बेटा, फिर उसका ऑफिस कंटिन्यू रहेगा। सच पर्सन कंटिन्यूज टू बी एमडी, सच पर्सन कंटिन्यूज
सच पर्सन कंटिन्यूज टू बी द एमडी। हालांकि टेक्निकली ब्रेक तो आया है, ठीक है, लेकिन उस ब्रेक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। नोट विद स्टैंडिंग ये कीवर्ड है, नोट विद स्टैंडिंग द टेक्निकल ब्रेक एट द एजीएम, क्योंकि एजीएम शुरू होने से पहले ही उसकी रिटायरमेंट हो गई, तो टेक्निकली जब तक सेक्शन 160 का रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता, तब तक तो वो डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर नहीं है तो एमडी भी नहीं है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि उसकी शाबाश, उसकी ब्रेक तो है लेकिन टेक्निकली उसे ब्रेक हम मानेंगे नहीं, चाहे उसकी ब्रेक है लेकिन हम मानेंगे नहीं। आइए बेटा, आइए, शाबाश। तो पावर्स क्या हैं एडिशनल डायरेक्टर्स की, अब उसकी स्टैंडिंग क्या है, आइए अब हम बात करेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज। एडिशनल डायरेक्टर आपने पॉइंट कर दिया, अब उसकी पावर्स और ड्यूटीज के बारे में भी बता दीजिए। पावर्स एंड ड्यूटीज, तो पहली बात सुन लीजिए, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर इज इक्वल टू रेगुलर डायरेक्टर, कोई फर्क नहीं है। सारी बात को इस छोटी सी इक्वेशन में मैंने समझा दिया, फिर भी इस बात को एग्जामिनेशन में आप कैसे लिख कर आएंगे, आइए नोट कर लीजिए। शाबाश बेटा, तो आइए इस चीज को नोट कर लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर्स हैव द सेम पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी अदर डायरेक्टर। जैसे एक आम डायरेक्टर की पावर, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज होती है, वैसे ही एडिशनल डायरेक्टर भी होगी, ठीक है। और एन एडिशनल डायरेक्टर, पहले भी आपको बता चुका हूं डिपार्टमेंट की क्लेरिफिकेशन से, एन एडिशनल डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड तो स्टूडेंट्स मैंने पूरी कोशिश की है बेटा कि एडिशनल डायरेक्टर पर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में ना रहे, फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उसे क्वेश्चन को भेज सकते हैं। शाबाश। एन एडिशनल डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। An additional director can also be appointed as whole-time director and managing director. एक और क्वेश्चन मन में आ रहा है, ठीक है, एक और मन में क्वेश्चन आ रहा है बेटा, उस क्वेश्चन को भी
मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है कि क्या आप सेक्शन 152 में यू काउंट रोटेशनल डायरेक्टर्स। आपको मैंने सेक्शन 152 बताया, 152 में आप रोटेशनल डायरेक्टर्स की अपॉइंट कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं? टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 निकालते हैं, ठीक है। टोटल डायरेक्टर्स जो मीटिंग में टोटल डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 आप रोटेशनल निकालते हैं, ठीक है। तो क्या एडिशनल डायरेक्टर को आप रोटेशनल डायरेक्टर मानेंगे? रिटायरिंग डायरेक्टर तो हम नहीं माना। तो सर, तो जो समझदार बच्चे हैं वो इसका आंसर समझ गए हैं, लेकिन नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन्होंने अच्छे से सेक्शन 152 नहीं पढ़ा वो दोबारा से पढ़कर आए। तो रीजन क्या है कि एडिशनल डायरेक्टर को हम रोटेशनल नहीं मानेंगे? इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से नोट कर लीजिए। एडिशनल डायरेक्टर ऑटोमेटिकली वेकेट देयर ऑफिस। On the date of AGM. So, additional directors are not included in computing अगर सेक्शन 152 रोटेशनल रिटायरिंग डायरेक्टर अच्छे से किया है तो आप ये बात समझ गए होंगे। आर नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 अंडर सेक्शन 152। और एडिशनल डायरेक्टर के लिए रिजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करना होगा आपको, वो हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब यहां पर हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं एडिशनल डायरेक्टर्स के बारे में। तो अनंत लक्ष्मी वर्सेस इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड के केस में मैंने आपको बताया कि अगर डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ नहीं है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग तो डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन बताई, दो हमने इसमें डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन भी देखी। अगर आर्टिकल्स ने जनरल मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात कही है तो सेक्शन 160 लागू नहीं होगा। तो एक केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस केस में आप एडिशनल डायरेक्टर पर क्वेश्चन, अगर जनरल क्वेश्चन आए तो आपको आंसर को खूबसूरत बनाने के लिए आप इस केस को लिख सकते हैं।
आइए। और इसका रिजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग हम बाद में करेंगे, इसका बस एक रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना रह गया है, वो हम बाद में करेंगे, वो हम अभी नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ डॉक्टर टी एम पॉल वर्सेस सिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, तो केस का नाम है डॉक्टर टी एम पॉल वर्सेस सिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का केस है। क्या डिसीजन दिया कोर्ट ने, आइए इस केस को आप जनरल, अगर क्वेश्चन आ जाए एडिशनल डायरेक्टर का तो उस केस को आप वहां पर लिख सकते हैं। द पावर टू अपॉइंट, एडिशनल डायरेक्टर्स पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स शुड बी एक्सरसाइज्ड यानी एडिशनल डायरेक्टर का मतलब है बेटा अतिरिक्त डायरेक्टर, और अतिरिक्त डायरेक्टर आप तभी अपॉइंट करेंगे जब आपके पास काम बहुत ज्यादा है और आपसे काम नहीं संभल रहा, ठीक है, तो आप अपॉइंट करेंगे ना, ठीक है। आपको आपके घर में कोई काम होता है, अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा, डोमेस्टिक वर्क आप नहीं कर पा रहे, हाउस होल्ड वर्क आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप किसी और पर्सन को अपॉइंट करते हैं, भाई देखो तुम मेरे घर में खाना बनाने आ जाओ, सफाई करने के लिए आ जाओ, क्योंकि आपसे वो सफाई करने नहीं चाहते, फिजिकली नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो आप एक एक्स्ट्रा हैंड को अपॉइंट करते हैं। तो सेम बात यहां पर अप्लाई एप्लीकेबल है कि डायरेक्टर्स के पास काम ज्यादा है, वो उन्हें करना नहीं आता या उनके पास टाइम नहीं है, तो एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी। पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर शुड बी एक्सरसाइज्ड बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शुड बी एक्सरसाइज्ड बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन जहां नेसेसिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, वहां पे आप एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। कुड नॉट बी अपॉइंटेड, कुड नॉट बी अपॉइंटेड इफ there is no necessity, could not be appointed if there is no necessity, it was decided by the court in TM Pol versus City Hospital Private Limited। शाबाश बेटा, आपने ये सब बातें ध्यान से सीखनी है, कोई डाउट अगर अभी भी आपके मन में रह गया है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं।